हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ की जो बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसी का ही चैप्टर है सेम नेम से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और ये चैप्टर नंबर 5th है। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन को देखेंगे जो कि इंग्लिश टू हिंदी होने वाला है, और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे इस कंप्लीट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को भी। तो चलिए देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। सो कैन अ मैन बिकम इनविजिबल, क्या एक आदमी इनविजिबल बन सकता है। दिस इज स्टोरी ऑफ साइंटिस्ट, एक स्टोरी साइंटिस्ट की है जो डिस्कवर करता है, जो खोज करता है और बनाता है कि कैसे हम इनविजिबल हो सकते हैं। इस चीज की खोज करता है कि कैसे हम अदृश्य हो सकते हैं। सो डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी, तो क्या वो अपनी जो डिस्कवरी है, जो खोज है, उसका यूज करता है या मिस यूज करता है, उपयोग करता है या फिर दुरुपयोग करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो चीजों को आप इजिली देख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। अब यहां लिखा हुआ है कि दो लड़कों को एक जोड़ी नंगे पैर जो ताजे मेलों के छाप ने आश्चर्य में डाल दिया था। सरप्राइज अ फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स द पेयर ऑफ बेयर फुट। वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ हाउस इन द मिडिल ऑफ लंडन एंड वेयर वॉज द मैन, और लंदन के बीच में घर की एक सीढ़ियों पर नंगे पांव वाला आदमी क्या कर रहा था और आदमी कहां था। एज द गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेड देयर आईज अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर। एज अ गेज्ड, जब वे टकटकी लगाकर देख रहे थे तो उन्होंने एक उल्लेखनीय दृश्य को देखा। रिमार्केबल साइट मेड देयर आईज अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउवेयर। उन्होंने एक उल्लेखनीय दृश्य को देखा, एक ताजा पदचिन्ह से कहीं अधिक दिखाई दिया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिव डाउन द स्ट्रीट, कि कैसे जो ताजा पदचिन्ह है वो दिखाई दे रहे हैं। The boys followed, fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter, at last disappeared altogether. तो आप कह सकते हो कि आगे और पैरों के निशान दिखाई दिए, एक के बाद एक कदम आगे बढ़ते चले गए, सड़क पर आगे चले गए, until muddy impressions become fainter and last disappeared together. और लड़के मोहित होकर फैसिनेट होकर उनके पीछे चले गए, और जो मटमैले पदचिन्ह होते हैं उनको देखकर हल्के हल्के वो आगे चल के हल्के हल्के हो गए और अंत में पूरी तरीके से गायब हो गए। मतलब आपने देखा होगा कि अगर आपके कीचड़ में पैर आ जाते हैं कीचड़ में, तो जब आप थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं तो ये पैरों के निशान क्या होते हैं, ऐसे आगे बैठते रहते हैं और कुछ दूरी पर जाकर के वो धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सो बिकम फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर। The explanation of mystery was really simple enough. और ये जो explanation है, ये जो रहस्य है इस complete mystery का, काफी easy है, सरल था। The explanation of mystery was really simple enough. The bewildered boys had been followed a scientist who had just discovered how to make a human body transparent. सो घबराए हुए लड़के इसके पीछे का जो साइंटिस्ट रीजन था उसका पीछा कर रहे थे, साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने हाल में ही मानव शरीर को ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जा सकता है उसकी खोज की थी। सो गिरफिन द साइंटिस्ट, और गिरफिन द साइंटिस्ट हैड कैरी आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल।
finally shallowed certain rare drugs in his body become transparent as a sheet of glass, though it remained as solid as a glass. तो इसका सेंस ये हुआ कि जो ग्रिफिन था उस साइंटिस्ट ने यह साबित करने के लिए अनेक प्रयोग किए कि जो ह्यूमन बॉडी है वो अदृश्य हो सकती है, और अंत में उसने कुछ बहुत ही दुर्लभ सी जो ड्रग्स होती हैं, रेयर ड्रग्स होती हैं, जो दुर्लभ दवाएं होती हैं, उनको निगल लिया बॉडी में, और उनका शरीर एकदम कांच की तरह ट्रांसपेरेंट बन गया. हालांकि यह भी कांच जितने ही ठोस बने रहे, सॉलिड एज ए कांच, ब्रिलियंट साइंटिस्ट टफ ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रैदर लॉलेस पर्सन. ही लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम. सो वह, हालांकि वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, फिर भी ग्रिफिन एक अधर्मी व्यक्ति था, लॉलेस व्यक्ति था. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, उसका जो मकान मालिक था उसे नापसंद करता था. एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसे बाहर निकालने की उसने कोशिश की. इन रेवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू हाउस टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉज. और बदला लेने के लिए जो ग्रिफिन था उसने उसके घर में आग लगा दी, और किसी को बिना दिखाई दिए वो अपने कपड़े लेकर वहां से भाग, किसी को दिखाई दिए बिना भाग जाने के लिए वो अपने कपड़े उसे उतारने पड़े. दस इट वॉज दैट ही बिकम होमलेस वांडरर विदाउट क्लोथ्स. और वह इस प्रकार बिना कपड़ों के, बिना पैसों के, बिल्कुल एक अदृश्य यानी कि इनविजिबल बेघर पथिक बन गया. क्वाइट इनविजिबल अंटिल हैपन टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड. और जब तक उसने कीचड़ में कदम नहीं रखे और उसके चलने के पैरों के निशान नहीं बनते गए, तब तक वो बिल्कुल एक अदृश्य की तरह ही था. So he escaped easily enough. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वह लंदन में अपने पैरों के निशान का पीछा करने वाले लड़कों से काफी आसानी से बच गया. But his adventure were no means over. He had chosen a bad time of the years to wander about London without clothes. It was midwinter. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. Instead of walking about the street, he decided to sleep into a big London stores for warmth. अब हुआ क्या कि वह लंदन में अपने पैरों के निशान का पीछा करने वाले लड़कों से तो काफी आसानी से बच गया था, लेकिन उसके कारनामे किसी भी तरह समाप्त नहीं हुए. उसने बिना कपड़ों के लंदन में भटकने के लिए एक साल का जो समय चुना था, उस यह मध्य सर्दियों में था, और हवा में जो कड़कड़ाती हुई ठंड थी वो बिना कपड़ों के रह नहीं सकता था, और सड़कों पर चलने के बजाय उसने गर्मी के लिए लंदन की एक बड़ी दुकान में घुसने का फैसला किया. ही एस्केप्ड इजली इनफ फॉर द बॉयज who followed his footprints in London. वह लंदन में अपने पैरों के निशान का पीछा करने वाले लड़कों से तो काफी आसानी से बच गया. But his adventures were no means over. और लेकिन उसके कारनामे किसी भी तरीके से भी समाप्त नहीं हुए थे. He had chosen a bad time for a year to wander about London without clothes. It was a midwinter. और आप कह सकते हो कि उसके जो कारनामे हुए थे वो अभी समाप्त नहीं हुए थे. उसने बिना कपड़ों के लंदन में भटकने के लिए साल भर का एक बुरा समय चुना हुआ था. He had chosen a bad time for a year wander about London without clothes. It was midwinter, और ये मध्य सर्दियों का समय था. The air was bitterly cold and he could not do without clothes. और आप कह सकते हो कि हवा में कड़कड़ाती हुई ठंड थी और वह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग
अबाउट स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म्थ। सो सड़कों पर चलने के बजाय उसने गर्मी के लिए लंदन की एक बड़ी दुकान में घुसने का फैसला किया। सो क्लोजिंग टाइम अराइव्ड एंड सून एज डोर वर शट, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंसेस। और दुकान बंद करने का समय आ गया। वो जैसे ही दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन बिना कुछ खर्च किए, बिना खुद कपड़े पहनने की खुशी देने और खुद को खिलाने में सक्षम था। As soon as door was shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regarding to expenses. और बिना कपड़ों के खुद को कपड़े पहनाने की खुशी देने और खुद को खिलाने में सक्षम था। उसने बॉक्स और रैपर खोले। He broke open the box and wrappers, fitted himself out with the warm clothes. और उसने क्या किया कि रैपर खोले और अपने शरीर पर गर्म कपड़े पहन लिए। और सून विथ शूज एंड ओवरकोट, वाइड ब्रिम्ड हैट, ही बिकेम फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट। ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन पाइल ऑफ क्विल्ट्स। और जल्द ही उसने जूते, एक ओवरकोट, एक चौड़ी सी किनारेदारी वाली टोपी, पूरी तरीके से तैयार एक अविजिबल व्यक्ति बन गया था। रेस्टोरेंट किचन आप कह सकते हो कि उसे ठंडा मांस जो है वो कॉफी मिली। इसके बाद उसने किराने की दुकान से ली गई मिठाई और शराब के साथ में अपना भोजन किया और अंत में रजाई के ढेर पर सोने के लिए नीचे लेट गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वॉक अप इन द गुड टाइम, ऑल माइट हैव वेल। अगर केवल ग्रिफिन सही समय पर जाग जाता तो सब कुछ ठीक हो सकता था। एज इट वॉज द डिडेंट वेक अप अंटिल असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग द नेक्स्ट मॉर्निंग। और वो जैसा कि हुआ वो तब तक नहीं जाग सका जब तक जो असिस्टेंट थे पहले ही अगली सुबह आ रहे थे। जब उसने दो को आते हुए देखा तो घबरा गया और दौड़ने लगा। एज इट वॉज ही डिडेंट वेक अप अंटिल ही असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइव एंड नेक्स्ट मॉर्निंग ही सॉ अ कपल ऑफ देम। जैसे उसने देखा तो वो बिल्कुल डर गया। अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। और एकदम से वो पैनिक हो गया और घबरा गया और दौड़ने लगा। दे नेचुरली गेव चेज और उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकिंग टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन चिल जनवरी एयर। और अंत में वो भागने में केवल तब सक्षम हो सका जब उसने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए और एक बार फिर खुद को अदृश्य लेकिन जनवरी की ठंडी हवा में नग्न पाया, एकदम बिल्कुल अपने आप को न्यूड पाया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई शॉक और थॉमेटिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्केप स्पेस एवर हिज शोल्डर। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्री लैंड एंड द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। सो उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि इस बार उसने न केवल कपड़े खोजने में मदद की, उसने कपड़े खोजने की उम्मीद में एक जो नाटक कंपनी होती है, नाट्य कंपनी, स्टॉक को आजमाने का फैसला किया। और बल्कि कुछ ऐसा किया जो उसके कंधों के ऊपर खाली जगह को छिपाए, नेक अंटिल द हाइड एम्प्टी स्पेस अबव द शोल्डर। और ठंड में कांपते हुए वह जल्दी से थिएटर की दुनिया के केंद्र से डूरी लेन के लिए चल पड़ा। डूरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ही सून फाउंड सुटेबल शॉप। उसने जल्दी उसे एक उपयुक्त दुकान मिल गई। एंड ही मेड हिज इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज,
बिग बुशी साइड विस्कर एंड द लार्ज हेड. तो इसके विदाउट बीइंग सीन ही कॉल्सली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड आफ्टर विच रॉब्ड हिम ऑफ ऑल मनी ही कुड फाइंड. और उसे जल्दी एक दुकान मिल गई और अदृश्य होकर ऊपर गया. थोड़ी देर बाद अपने माथे पर पट्टियां पहने, काले चश्मे, झूठी नाक, बड़ी बड़ी बंगल की मूछें, एक बड़ी सी टोपी पहनकर बाहर आया. दिखाई दिए बिना भागने के लिए उसने पीछे से दुकानदार पर निर्दयता से हमला किया और उसके बाद जितने भी पैसे मिले वहां से लूट कर वो ले गया. रॉब्ड हिम एंड मनी ही कुड फाइंड. सो एगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लैंड. देखिए जो क्वेश्चन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में जब हम पूरा ट्रांसलेशन को कवर कर लेंगे. To get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked two rooms at the local inn. भीड़ से भरे लंदन से दूर वो उत्सुक होकर उसने आइपिंग गांव जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ी और उसने स्थानीय जगह पर दो कमरे बुक किए. और arrival of a stranger at inn in winter was any case unusual event. A stranger of such uncommon appearance set tongues wagging. Mr. Hall and landlord's wife made very effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming Iping is a despite of solitude. I don't wish to be disturbed in my work. Beside, in an accident has affected my face." और उसने सर्दियों में जब वो उसने आइपिंग जाने का उत्सुक होकर फैसला लिया, ट्रेन पकड़ी और जहाँ पे दो कमरे बुक किए, सर्दियों में सराय में एक अजनबी के आगमन किसी भी मामले में एक असामान्य घटना थी. और इस तरह से असामान्य रंग रूप वाले एक अजनबी को देखकर सभी बात करने लगे. मकान मालिक की पत्नी हॉल ने दोस्ताना होने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन ग्रिफिन की बात करने की कोई इच्छा ही नहीं थी और उससे कहा, आइपिंग के लिए आने का मेरा कारण एकांत की एक इच्छा है और मैं नहीं चाहता कि मुझे मेरे काम में कोई परेशान करे. इसके अलावा एक दुर्घटना ने मेरे चेहरे को अफेक्ट किया है. तो सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज इन इंसेंटिक साइंटिस्ट. सो क्या हुआ कि इस बात से संतुष्ट होकर कि उसका मेहमान एक सनकी वैज्ञानिक था, दैट हर गेस्ट वॉज अ इसेंट्रिक साइंटिस्ट एंड इन व्यू ऑफ फैक्ट ही हैड पेड हर एडवांस, मिस्टर हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज His strange habits and irritable temper. और तथ्य जानकर उन्होंने अग्रिम भुगतान किया था. श्रीमती हॉल उसकी अजीब आदतों से और चिड़चिड़े गुस्से को माफ करने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसने एडवांस पेमेंट करी थी भाई. प्रिपेयर टू हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, जो उसका गुस्सा था उसको माफ करने के लिए. बट द स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. He pretended, however, that he was expecting check to arrive in any moment. और लेकिन चोरी का पैसा लंबे समय तक नहीं चला और वर्तमान में ग्रिफिन को स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास और अधिक कैश मौजूद नहीं है. हालांकि उसने नाटक किया कि वह किसी भी पल एक चेक के आने की उम्मीद कर रहा है. Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, clergyman and his wife were awakened by the noises in the study. Creeping downstairs, they heard a chink of money being taken from a clergyman's desk. कुछ ही समय बाद एक जिज्ञासु प्रकरण हुआ और सुबह बहुत जल्दी एक पादरी और उसकी पत्नी अध्ययन में जोर से जाग गए. नीचे उतरते हुए उन्होंने पादरी की मेज से पैसे निकाले जाने की झंझनाहट उन्होंने सुनी. So, बिना कोई शोर किए अपने हाथ में मजबूती से एक पोकर के साथ पादरी ने दरवाजा खोला. एंड पैड चिंक मनी एंड फ्रॉम द क्लर्की मैन डेस्क विदाउट मेकिंग एनी नॉइज पोकर ग्रास्प फॉर्मली हिज हैंड एंड क्लर्की मैन फ्लंग ओपन द डोर सरेंडर. और जैसे ही उसने मजबूती के साथ पोकर के साथ में पादरी ने दरवाजा खोला, उसने कहा, समर्पण, आत्मसमर्पण कर दो. और फिर उनके जो ये जो एक्सप्लेनेशन हुआ, देन
टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। और फिर उसने बड़े ही विस्मय से उसने एहसास हुआ कि कमरा खाली दिखाई दे रहा था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टन्स एंड इवन अप चिमनी, देयर वॉज नॉट साइन ऑफ एनीबडी, येट द डेस्क हैज बीन ओपन्ड एंड हाउसकीपिंग मनी वॉज मिसिंग। जब उन्होंने देखा कि कमरा खाली दिखाई दे रहा था, उन्होंने उसकी पत्नी ने मेज के नीचे देखा और पर्दे के पीछे, यहां तक कि चिमनी के ऊपर भी कोई भी संकेत नहीं था। फिर भी डेस्क खोला गया और हाउसकीपिंग का जो पैसा था वो गायब देना था। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कह सकते हो अफेयर, असाधारण बिल्कुल कार्य था। द क्लेगरीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पादरी पूरे 6 दिन तक यही कहता रहा। बट इट वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज बिहेवियर ऑफ मिस्टर हॉल फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन थोड़ी देर बाद सुबह श्रीमती हॉल के फर्नीचर के व्यवहार के रूप में साधारण नहीं था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेयर अप वेरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, यूजली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीबडी एंटर द रूम, द अपॉर्चुनिटी सीम्ड गुड टू बी मिस्ड, दे पीप्ड राउंड द डोर, सो नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, सोइंग दैट साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन समटाइम एंड स्ट्रेंजर स्टिल, द क्लोथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज रोर वीयर लेइंग अबाउट द रूम। सो अब हुआ क्या कि मकान मालिक और उसकी पत्नी सुबह जल्दी जाग गए थे और जो साइंटिस्ट था उसका दरवाजा खुला देखकर हैरान हो गए। आमतौर पर यह बंद होता था या तो फिर ताला लगा होता था और किसी के भी द्वारा उसके कमरे में प्रवेश होने पर वो काफी उग्र होने हो जाता था। फ्यूरियस एनीवन एंटर्ड द रूम, और किसी के द्वारा जब कोई उसके अंदर जाता, उसके घर के अंदर जाता था तो उग्र हो जाता था। अच्छा मौका लग रहा था यह कि जिसे खोया नहीं जा सकता। वे दरवाजे के चारों ओर झांके, कोई नहीं दिखाई दिया। लेकिन फिर उन्होंने अब जांच करने का फैसला लिया। बेड पर कपड़े ठंडे थे, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि साइंटिस्ट बहुत समय पहले जाग गया होगा और अजनबी अभी भी कपड़े और पट्टियां, जिन्हें वह हमेशा पहनता था, कमरे में बिखरे पड़े थे। सो ऑल ऑफ द सडन मिस्टर हॉल हैड स्निफ क्लोज एंड द एयर, अ मोमेंट लेटर हैट अ बेड पोस्ट लीप एंड डैशेड इटसेल्फ इनटू द फेस। सो अचानक श्रीमती हॉल को अपने कान के करीब सांस लेने की आवाज सुनाई दी। अ मोमेंट लेटर अ हैट ऑन द बेड पोस्ट एंड लिप्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और एक पल बाद बेडपोस्ट पर उसकी टोपी उछली और खुद उसके चेहरे पर आकर टकराई। इसके बाद बेडरूम की कुर्सी जिंदा हो गई एंड द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। स्प्रिंगली इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग फॉरमोस्ट, और हवा में उछलकर उसके सीधे पैरों की तरफ झपटी। और आप कह सकते हो एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन द टेरर, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और हवा में उछलकर यह सीधे उसके पैरों की तरफ झपटी। जैसे ही वह और उसके पति डर से मुड़े, असाधारण चेयर ने उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया और फिर दो जोर से दरवाजा बंद हो गया। मिस्टर हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन द हिस्ट्रीस। सी वॉज कन्विंस दैट रूम वॉज हाउंटेड बाई स्पिरिट एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कॉज दीज एंटर इनटू हर फर्नीचर। और उस असाधारण सी चेयर को उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया। फिर उनके बाद दरवाजे जोर से बंद करती, लॉक करती हुई दिखाई दी। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन द चेयर, सी मॉम टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, उन्होंने कहा। माई पुअर मदर, उन्होंने कहा कि जो
मिस्टर उन्होंने कहा कि विलाप करते हुए कहा, मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठती थी। माय पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन देयर चेयर, शी माउंड टू थिंक शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और क्या लगता है कि ये मेरे विरुद्ध अब उठ खड़ी होगी। द फीलिंग ऑफ अमंग नेबर्स वॉज दैट ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई अ विचक्राफ्ट, बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of burglary at the clergyman homes become known, the strange scientist was strongly suspected of having had hand in it. Suspicion grew even stronger when the suddenly produced some ready cash. Though he had admitted not long before he had no money. और ये जो feeling है उसका विलाप करने की, बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठती थी, लगता है कि वह मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। पड़ोसियों को लग रहा था कि यह परेशानी जादू टोनों की वजह से हुई है, लेकिन जादू टोना हो या ना हो, जब पादरी ने घर में सेंट मारी की खबर का पता चली तो इसमें अजीब वैज्ञानिक का हाथ होने का शक हुआ और संदेह भी मजबूत हुआ। उसने अचानक कुछ तैयार जो नकदी थी उसको प्रस्तुत की। हालांकि उसने कुछ समय पहले स्वीकार किया था कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सेक्रेटली सेंट फॉर, गांव के सिपाही को चुपके से बुलावा भेज दिया गया। इंस्टीड वेटिंग फॉर कॉन्स्टेबल मिस्टर हॉल्स वेन साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियस अपीयर्ड फ्रॉम द एम्प्टी बेडरूम, और कॉन्स्टेबल का इंतजार करने के बजाय मिसेस हॉल वैज्ञानिक के पास गई, किसी भी तरीके से रहस्यमय तरीके से अपने खाली बेडरूम से वो दिखाई दिया था। Somehow mysterious appeared from the empty bedroom. I want to know what you have been doing to my chair upstairs. So उसने मांग की कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ ऊपर क्या कर रहे थे। She damn demanded and I want to know how it you came out an empty room. And how you entered the locked room? और उसने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम खाली कमरे में कैसे बाहर आए खाली कमरे से, और तुम एक बंद कमरे में कैसे प्रवेश किया। साइंटिस्ट हमेशा जल्दी उग्र हो जाता था, अब गुस्से में आ जाता था, वह उग्र हो गया। और उसने साइंटिस्ट ने जो था वो कहा, द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकम फ्यूरियस। You don't understand who, what I am, he shouted. Very well, I will show you. उसने कहा, ठीक है, वैज्ञानिक हमेशा गुस्से में आ जाता था, वह उग्र हो गया, वह चिल्लाया, तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। Suddenly he threw Wendell's whiskers, spectacles, and even nose. It took him only a minute to do this. A horrified people in the bar found themselves staring the headless man. और अदृश्य अचानक उसकी पट्टियां, मूंछ, चश्मा, यहां तक कि नाक को भी फेंक दी। ऐसा करने में उसे केवल एक मिनट लगा। सब लोग बार इस बार और भयभीत लोगों के सामने एक अपने बिना सिर वाली आदमी को देखा उन्होंने, बिना सिर, हेडलेस मैन। मिस्टर जेफरसन कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड he had to arrest a man without a head, but Jeffer was not easily prevented from doing his duty. He is a magistrate warrant or an order a person's arrest, then that person had to arrest it with and without his head. So ab hua kya tha ki constable jo Mr. Jaffer the wo aa gaye jaan kar kafi aashcharyachakit tha कि बिना सिर वाले आदमी को गिरफ्तार करना था, लेकिन जाफर को आसानी से ड्यूटी करने के लिए नहीं रोका जा सकता। यदि मजिस्ट्रेट ने वारंट दिया, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश दिया है, तो उस व्यक्ति को उसके सिर के साथ या सिर के बिना गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। सो देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज अ पुलिसमैन ट्राइड गेट होल्ड अ मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ड्रिव ऑफ garments after another. Finally a short
flew into the air and constable found himself struggling with someone he couldn't see at all. फिर हुआ क्या कि वहां एक जो उल्लेखनीय दृश्य बन गया था कि जब पुलिसकर्मी ने एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश की जो अधिक से अधिक अदृश्य होता जा रहा था, जब उसने एक के बाद एक अपने जो कपड़े हैं उतार कर फेंकना शुरू की तो अंत में उसकी कमीज हवा में उड़ गई और कांस्टेबल खुद को किसी के साथ संघर्ष करते हुए महसूस किया. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय अ ब्लोज एंड सीम टू कम फॉर नाउ एवर. कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की लेकिन उन पर हमले हुए जिनका पता ही नहीं चला कि वे कहां सो रहे थे, कि वे कहां से हो रहे थे. और जब लोगों को ये नहीं पता नहीं चल पा रहा था कि कहां से उसके ऊपर हमले हो रहे थे जो उनकी उसकी मदद कर रहे थे, इन द एंड जाफर वॉज नॉट अनकॉन्सियस एज ही मेड लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन अनसीन साइंटिस्ट. अंत में जाफर बेहोश होकर गिर गया जब उसने देखे कि वैज्ञानिक पर पकड़ बनाने का एक अंतिम प्रयास किया. देयर वॉज नर्वस एक्साइटेड क्राइज होल्ड हिम बट दिस वॉज ईजियर सेड देन वुडन. ग्रिफन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम. और उसने कहा वहां पकड़ो. वह आशंकित उत्तेजित चीखे थी लेकिन उसका कहना करने से अधिक आसान था. ग्रिफिन ने खुद को मुक्त कर लिया और कोई नहीं जानता कि उसे कहां से पकड़ना है. सो ये थी एच जी वेल्स की स्टोरी, जो कि बुक का भी आपका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, राइट. और इस चैप्टर का भी नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. काफी अच्छी स्टोरी थी. सो आई होप कि ये ट्रांसलेशन तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे. देखिए ट्रांसलेशन से दो चीज़ें फायदे होती हैं, आपकी जो नई नई मीनिंग्स मिलती हैं, आपका आपको परसेप्शन समझ आता है कम्प्लीटली इस चैप्टर के बारे में, आप एक पर्सपेक्टिव हो जाते हैं. और अगर आउटसाइड द क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो एटलीस्ट आप उसके बारे में लिख पाते हैं. तो ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलिए हम चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे इस चैप्टर के. तो ये है इसके आंसर, जैसे कि पहला है कि हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल. तो ये है इसका आंसर कि इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल आफ्टर द स्लिप इन टू अ बिग लंडन स्टोर्स फॉर अ कीपिंग वार्म एंड द ओवर स्लैप. देयर वाइल वेयरिंग सम क्लॉथ्स टेकन फ्रॉम द स्टोर एंड क्लॉथ्स मेड हिम विजिबल टू शॉप असिस्टेंट. When the shop opened in the morning to escape from them and he had set all the clothes to become invisible again. तो ये सारी चीजें इसी तरीके से सेकेंड वन है कि why was the wandering his the streets. तो आप देख पाओगे कि though he was brilliant scientist, he was lawless persons, his landlord disliked him and wanted to evict Griffin in revenge. He set fire to the house and to escape removed his clothes become invisible. तो ये इसका आंसर हो गया. इसी तरीके से अगर हम देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं. और क्वेश्चन नंबर ये भी देखिए कि why does Mr. Holland scientist eccentric. So because his strange appearance also and when she tried to be friendly with him, he rebuffed by saying there is a solitude didn't wish to disturb in his work. जब कोई फ्रेंडली होने की कोशिश करता था तो वो बोलता था कि मुझे डिस्टर्ब मत करो. व्हाट क्यूरियस एपिसोड अफर्स इन द स्टडी. तो सबसे क्यूरियस पेड ये है कि वो एक क्लर्गी मैन था, उसकी वाइफ नॉइजेस कमिंग फ्रॉम द स्टडी, देन दे हियर द साउंड कॉइन बिगेन टेकन डेस्क देयर एंड दे एंटर द स्टडी दे डिडंट फाइंड एनीबडी देयर. सो व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट दिस इन. So at the inn, Mr. Hall and her husband into the scientist room, finding door open, और जो कि कभी खुला नहीं रहता था. Mr. Hall's hand sniff and head bed traps and dashed into their face. Then the bedroom chair sprang into the air and pushed them both out the room. The mad Mr. Hall think that the furniture was haunted. So ये इस तरीके की चीजें थी. So Griffin was rather than lawless person comment. Griffin was not a bothered if he had harmed anybody in fulfillment of what he wanted. He set a landlord house on fire because
Landlord tried to make him leave. Then his robberies at the shop and later the village indicate he was lawless person. When he encountered by Lady Lord in he threw chairs, her and her husband. Lawless persons like Griffin never think about the safety, well-being others. They are only concerned about themselves. So how do you assess Griffin as a scientist? So brilliant scientist, he discovered how to make himself invisible, but he seems to be enjoy feeling power and which get out the invisibility, the power to hurt anybody without getting noticed, can give sadistic pleasure to some peoples. A true scientist should make discovered a larger benefit for society, not just her own benefit. तो वो केवल उसका ही फायदा हुआ. So would you like to become invisible? The advantage and disadvantage do you foresee if you did? Yes, it can be exciting idea for people, like two fists of a coin. Invisibility can many advantage and disadvantage for a child. Invisibility may mean license for all kinds of pranks without getting caught, like Hindi movie. Invisibility can help you beat all the villains, and blacks and blue gets rid them. Once you become invisible, nobody would notice you. So within no time, sadness is isolation will take over excitement. Being invisible, you will be no friend. You will tend to behave like a concentric scientist in the theory, right? ये सारी चीजें हैं, इसके क्या disadvantage और advantage क्या है, advantage क्या है? So इसके screenshot ले सकते हो आप. Second question पे जाते हैं. देखा हुआ कि are there forces around us invisible? For example, magnetism. Are there aspects of matter of invisible one not visible naked eyes? What would be the world be like if you see forces or such as aspects matter? So magnetic forces, electrostatic forces, examples invisible forces. So atoms, molecular, ये सारी चीजें हैं जो कि visible नहीं है, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते. सो इसी तरीके से ये थर्ड क्वेश्चन है, वाटर ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन. तो ये है इसका आंसर. सो आई होप कि ये जो चैप्टर है वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पसंद आया. अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो. और इसके अलावा आप चाहें तो आप हमें कोई सुझाव या सजेशन दे सकते हैं, और इस नंबर पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, 8770077431. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.